संदीप की बहन चांदनी के शादी के फोटोज और वीडियोस तो आप सबने अब तक देख ही लिए होंगे और अब एक एक करके इनके शादी के मजेदार वीडियो सामने आ रहे हैं। हमने आपको संगीत का वीडियो भी दिखाया, मेहंदी की रौनक भी दिखाई और अब हल्दी सेरेमनी का एक वीडियो सामने आ चुका है। हालांकि हल्दी सेरेमनी के आप फोटोज और वीडियोस तो देख ही चुके होंगे, लेकिन वीडियो में शायद आपने कुछ खास चीज मिस कर दी है। अब हल्दी सेरेमनी में पवन अरु के प्यार रोमांस आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। स्टेज पर एक साथ दोनों गाना गाते हैं, वो आप खुद इस वीडियो में देखिए, आप खुद शॉक रह जाएंगे। जी हां, हल्दी सेरेमनी में पवन अरुणिता दोनों येलो कपड़े पहने दिखे थे। अरुणिता इस शादी को एंजॉय करने के लिए पूरी तैयार हो गई थी, पहले साड़ी फिर हल्दी सेरेमनी में सूट पहनकर उन्होंने पवन के बिल्कुल करीब बैठकर खूब मौज मस्ती की। वो वीडियो आप देखिए। जी हां, अरुणिता सबके बीच में बैठी है और उन्हीं के पास पवन भी बैठे हैं। पवन के कंधे पर हाथ रख के अरुणिता बैठी हैं। पवन चांदनी के हल्दी लगा रहे हैं, अरुणिता पवन उनके पीछे बैठकर धीरे धीरे लफ्जों में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और तो और अरुणिता पवन से वहां हो रही रस्म के बारे में कुछ बात कर रही हैं, कुछ पूछ रही हैं। तो पवन आंखों से चश्मा निकालकर अरुणिता को रस्म के बारे में बता रहे हैं और अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। अरुणिता पवन की बहन ज्योति दीप के गले में हाथ डालकर बैठी हैं, हंसी ठहाके मार रही हैं। पता नहीं पवन उनसे ऐसी क्या बात कहते हैं कि अरुणिता अपनी हंसी नहीं रोक पाती और पास बैठी ज्योति दीप के कंधे पर हाथ रखकर खूब मौज मस्ती कर रही हैं। उसके बाद अरुणिता चांदनी के हल्दी लगाती नजर आ रही हैं। जी हां, अरुणिता ने इस शादी को बिल्कुल अपने घर के फंक्शन की तरह एंजॉय किया। पवन अरुणिता दोनों एक साथ मिलकर चांदनी के हल्दी लगाते हैं। ये फोटो वाकई बहुत खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाली है। फैंस इस फोटो को खूब पसंद कर रहे हैं। पवन अरुणिता दोनों एक साथ उठकर बाहर इंतजाम देखने जाते हैं। दोनों मिलकर शादी के कामों में हाथ बटाते नजर आए हैं। वेल, अब तो इनके बिहाइंड वीडियोस सामने आ रहे हैं, आप इन वीडियोस को एंजॉय करिए। पवन की बहन चांदनी की शादी को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। काफी वक्त से अरुणिता ने प्लानिंग की थी कि वो पवनदीप के घर जाकर रात भर उनके साथ पार्टी करेगी। जी हां, अब पवनदीप के घर शादी का माहौल है तो पार्टी तो बनती है और फिर साथ महबूबा हो तब इस पार्टी का मजा दोगुना हो सकता है। अरुणिता के घर जब से इनविटेशन कार्ड पहुंचा है तब से इस पार्टी में चार चार लगाने की तैयारियों में लग गई हैं अरुणिता। जी हां, अरुणिता ने डिजाइनर लहंगा बनवा लिया है चांदनी राजन की शादी में पहनने के लिए। वैसे तो अरुणिता पवन की सबसे करीबी दोस्त हैं और जितनी ही वो पवनदीप की करीबी दोस्त हैं उतनी ही वो उनके परिवार से भी जुड़ी रहती हैं। जी हां, ऐसी खबरें आ रही थी कि चांदनी और ज्योति की अरुणिता से अच्छी पड़ती है। इतना ही नहीं, चांदनी और ज्योति अरुणिता के कपड़े भी शेयर कर चुकी हैं। तो ऐसे में पवनदीप के घर चांदनी की शादी में अरुणिता जाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पार्टी में अरुणिता सिर्फ अपने डिजाइनर लहंगे और स्टाइलिश लुक से ही सबको झटका देने वाली नहीं है, बल्कि वो अपनी डांस परफॉर्मेंस से सबको हिला देंगी। जी हां, अरुणिता ने प्लानिंग कर ली है कि शादी विवाह का घर है और अगर नाच गाना नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। ऐसे में अरुणिता ने बाकायदा पवनदीप के संग कपल डांस करने की प्लानिंग की है, डांस परफॉर्मेंस भी तैयार कर ली है। अब अरुणिता की तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन बात अटकी है अरुणिता के इस पार्टी में पहुंचने की। जी हां, ऐसी खबरें आ रही है कि अरुणिता की माँ अरुणिता को उत्तराखंड नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अरुणिता पवन के घर जाएंगी तो फिर से गलत खबरें बनेंगी जिससे परिवार का मूड खराब होगा। अरुणिता के परिवार को इनके लिंकअप की खबरें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसा होना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। परिवार का कहना कि वो काम की वजह से एक साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम पर फोकस ना देकर अपने रिश्ते पर फोकस देंगे। अब अरुणिता अपनी माँ को मना रही है कि वो इस पार्टी में जाने की इजाजत दें। जी हाँ, अरुणिता कहती है कि अगर माँ चाहे तो वो भी इस पार्टी में हमारे साथ चल सकती हैं, लेकिन उन्हें पवन के घर जाना ही होगा क्योंकि पवन की उनसे अच्छी दोस्ती है और वो दोस्ती के खातिर पवन की इस खुशी में शामिल होना चाहती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पवन अरुणिता के घर पटाखा बनकर पहुंचेंगी और अगर गई तो आप सभी की नजरें हट नहीं पाएंगी। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल इस वक्त अपने अपने काम में बिजी हैं। जहां पवनदीप हिमाचल प्रदेश में हैं तो वहीं अरुणिता कोलकाता में है और दो दिन बाद अरुणिता जयपुर के लिए निकलने वाली है। ऐसे में खबरें आ रही कि पवन अरु अब अलग अलग अपने काम में बिजी हो चुके हैं।
अब क्या ये एक साथ काम नहीं करेंगे? हम इन्हें अब कब एक साथ देख पाएंगे? तो फैंस, आप सबकी विश पूरी हो गई है और कुछ ही दिन में आप इन्हें एक साथ आमने सामने देखेंगे। जी हाँ, सोनी टीवी ने इनके नए इवेंट का प्रोमो लॉन्च कर दिया है। इस प्रोमो में पवन, अरुण, दानिश, आइली, सलमान नजर आ रहे हैं। प्रोमो में इन पांचों सिंगर्स के बीच वर्सेस का साइन भी नजर आ रहा है। मतलब ये पांचों सिंगर एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अपनी टीमें तैयार कर रहे हैं और म्यूजिक की टक्कर देंगे। इनकी अपनी अपनी टीम है और इन टीमों के जजेस ये सिंगर्स हैं और सिंगर्स अपनी अपनी टीम को आगे पहुंचाने के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। किस टीम के कंटेस्टेंट किस सिंगर को जितवाने वाले हैं वो तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल इस शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतलब कुछ ही दिन में पवन अरूप फिर से एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और इस शो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये शो काफी दिन तक चलेगा और काफी दिन तक पवन अरूप के फैंस इस शो को एंजॉय करेंगे। सलीम मर्चेंट ने बता दिया है कि वो पवन के साथ गाना कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी पवन हिमाचल से वापस मुंबई आने वाले हैं। वहीं अरुणिता भी जयपुर से अपना प्राइवेट इवेंट निपटाने के बाद सुपरस्टार सिंगर 2 में शामिल हो जाएंगी। तो पवन अरु की इस नई अपडेट पर आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन का नेपाल वाला इवेंट तो कैंसिल हो चुका है और उसकी अब डेट भी सामने आ चुकी है। जी हाँ, नेपाल वाला इवेंट जो पोस्टपोन हुआ था वो अब मार्च या मई में होगा। ऐसे में पवनदीप 2-3 महीने घर में ही रह सकते हैं या हो सकता है 19 जनवरी को जो उनका प्रोग्राम होने वाला है वो भी कैंसिल हो जाए। तो पवनदीप को काफी दिन तक अपने घर पर ही रहना होगा। पवनदीप नेपाल जाकर वापस लौट आए हैं। पवनदीप की नई अपडेट सामने आई है जिसमें वो गाड़ी भगाते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, पवनदीप कल नेपाल से आकर सीधे अपने घर चंपावत पहुँच चुके हैं। जी हाँ, चंपावत अपने घर पवनदीप पहुँच चुके हैं। चंपावत से पवनदीप की जो वीडियो सामने आई उसमें आप देख सकते हैं कि पवनदीप चंपावत की सड़क पर ड्राइव करते दिख रहे हैं। उनके कुछ दोस्त भी उस कार में हैं। पवनदीप अरुणिता के आने वाले प्रोग्राम के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि अब 19 जनवरी वाला प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाए। ऐसे में पवनदीप राजन भी घर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से पवनदीप घर पहुंचे उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब तक बीमारी रहेगी तब तक पवनदीप घर पर ही रहेंगे। अरुणिता वैसे भी घर पर ही थी कि अब पवनदीप भी घर अपने पहुंच चुके हैं। वीडियो में पवन व्हाइट जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। लोग उनके इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं। चंपावत में उनकी कार को कुछ फैंस ने रोक कर उनसे बात की और पूछा कि क्या अभी वो यहीं रहने वाले हैं। पवनदीप अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो विदेश टूर पर जाएंगे कि नहीं। पवनदीप निराश होकर नेपाल से जरूर लौटें लेकिन उन्हें यकीन है कि वो घर बैठे फैंस का एंटरटेनमेंट करेंगे। तो आप भी पवनदीप की मजेदार वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाएं। पवनदीप अपने घर से फैंस का मनोरंजन जरूर करेंगे।